नमस्कार, समाचार के आदि से प्रिया शर्मा दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व मंत्री एसी चौधरी ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा, टिकट बेचने का लगाया आरोप। दिग्विजय चौटाला ने अशोक तंवर को दिया जेजेपी में शामिल होने का न्योता। अंतिम समय में टिकट कटने पर कांग्रेसी नेता बोले, मेरे साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा। कांग्रेस टिकट पर नामांकन करने वाले कांग्रेसी नेता मोहम्मद एजाज खान ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी सहित नामांकन प्रक्रिया के दौरान नियुक्त आरओ और अन्य अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस इनेलो और जेजेपी के उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता जांची तो ये आंकड़े सामने आए। भारतीय जनता पार्टी ने जहां टिकट मिलने से रूठे नेताओं को मनाने का बीड़ा उठाया है, हरियाणा विधानसभा चुनावों की फील्ड जम चुकी है। सभी दल अब तेजी से गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। एटीएम से गायब हो रहे 2000 रुपए के नोट, एसबीआई ने की शुरुआत। आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे शहरों और कस्बों में मौजूद एटीएम में से 2000 रुपए के नोट रखने के स्लॉट हटाए जा रहे हैं। प्रदेश का किसान व खेत मजदूर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। कैथल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था में हाहाकार मचा है और भाजपा सरकार प्रचार से ही देश चलाना समझ रही है। पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा के हाथों में होगी बीजेपी की प्रचार कमान। हरियाणा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के प्रयास में जुटी भाजपा ने 90 सीटों वाली विधानसभा में इस बार 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कुलदीप बिश्नोई के सामने 52 साल का पारिवारिक गढ़ आदमपुर बचाने की चुनौती। इस बार अपना पारिवारिक गढ़ बचाने के लिए पूर्व सीएम स्वर्गीय भजन लाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई को न केवल जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है, बल्कि वे अपने परिवार सहित आदमपुर में पिछले 3 माह से डेरा डाले हैं। भाजपा सरकार में वाहनों की कीमत से ज्यादा के चालान हो रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि जब चौधरी देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उनके शासन में कोई टैक्स नहीं लगता था, बल्कि चौधरी देवीलाल ने साइकिल पर लगने वाले टोकन को भी हटा दिया था।